देश का चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो या बच्चा हो, इस समय हर हाथ दुआओं में उठा हुआ है। ये दुआएं की जा रही है उन 41 लोगों के लिए जो इस समय उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुए हैं। जी हां, पिछले 10 दिनों से 41 जीवन उस टनल के अंदर जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। 12 नवंबर दिवाली का दिन, सभी मजदूर अपने घर जाने के लिए इतने उत्साहित थे कि जल्द से जल्द काम खत्म करना चाहते थे, लेकिन सुबह 4 बजे एक हादसा हुआ जिसके चलते ये 40 मजदूर अभी तक उस टनल में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि इस टनल की खुदाई के दौरान कुछ मलबा और मिट्टी ढहने की वजह से टनल के मुहाने से करीब 60 मीटर अंदर ये 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इन 41 मजदूरों को बचाने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही है, तो वहीं देश का हर हाथ उनको उनकी सलामती के लिए दुआओं में उठा हुआ है। पूरे 10 दिन के बाद एक सुखद तस्वीर निकलकर सामने आई है। बचाव राहत कार्यों में लगे लोगों ने इन मजदूरों से संपर्क किया है। एक पाइपलाइन जो उनके खाने और उनके खाद्य पदार्थों के लिए बिछाई गई है, इस पाइपलाइन से कैमरे के जरिए इन मजदूरों से संपर्क किया गया है। ये मजदूर अभी सकुशल नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इनको बाहर निकालने की चुनौतियां काफी बड़ी हैं। आपको बता दें कि 12 नवंबर को यह घटना हुई थी, उसके बाद SJVVNL की ओर से 3 प्लान बनाए गए थे, लेकिन ये तीनों ही प्लान फेल हो गए। उसके बाद सरकार की ओर से 8 एजेंसियों का गठन किया गया और इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने लगे। 5 तरफ से इस टनल की खुदाई शुरू की गई है जिनसे इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए। सबसे पहला जो पड़ाव इन्होंने पार किया है वो पड़ाव है इन लोगों तक खाना पहुंचाने का, क्योंकि खाना और पानी बहुत आवश्यक है। और 48 घंटे का समय एजेंसियों ने मांगा था, लेकिन इन लोगों को बचाने की जो जद्दोजहद थी, जो जुनून था, उसके चलते ये काम महज 24 घंटे में ही पूरा कर लिया गया है। लेकिन अब जो 4 तरफ से खुदाई का काम है, इस खुदाई के काम को लेकर थोड़ी सी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो वहीं लोग इन लोगों के बचने की दुआएं कर रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि ये जो घटना हुई है, इस घटना की आखिर वजह क्या रही, क्या सच्चाई थी कि इतनी बड़ी घटना दिवाली वाले दिन घटित हुई। जो डंपर अंदर से मिट्टी और मलबा लेके आ रहा था, अब उस डंपर में बैठे हुए एक व्यक्ति ने अपना मुंह खोला है जिसने बताया है कि इस घटना के पीछे वजह क्या रही है। आपको बता दें कि जब यह टनल की खुदाई हो रही थी तो उस समय कई जगह से मिट्टी और मलबा ढहकर गिर रहा था। इस मिट्टी और मलबे को रोकने के लिए कई जगह गाटर लगाए गए थे। जब यह डंपर अंदर से मिट्टी और मलबा भरकर बाहर आ रहा था, तो इस दौरान यह डंपर एक गाटर से टकरा गया था। गाटर से टकराने के बाद अचानक मिट्टी और मलबा ढहने लगा, तो ड्राइवर के पास में बैठा हुआ व्यक्ति उतर कर भाग गया। अब उसने अपना मुंह खोला है, हालांकि उसको यह तक नहीं पता है कि क्या उस डंपर में से ड्राइवर बाहर निकल पाया था या नहीं निकल पाया था, क्योंकि देखते ही देखते वो पूरा डंपर मिट्टी और मलबे में ढक गया था। 3 प्लान इन मजदूरों को निकालने के फेल हो चुके हैं, तो वहीं अब 5 प्लान तैयार किए जा रहे हैं जिससे खुदाई की जाएगी। लगभग 1.5 मीटर से ज्यादा का होल है वह तैयार किया जाएगा और इन मजदूरों को निकाला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मिट्टी और मलबा लगातार ढह रहा है, वो कहीं ना कहीं चुनौतियां खड़े कर सकता है, क्योंकि टनल की खुदाई करते समय प्रशासन इस बात का ध्यान रख रहा है कि कहीं कंपन से यदि मिट्टी और मलबा ज्यादा ढह गया तो इन मजदूरों को बचाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन एक पड़ाव पार कर लिया गया है, उन मजदूरों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम है वह शुरू हो चुका है, तो वहीं ऑक्सीजन की कमी भी इन मजदूरों के लिए समस्या बन रही थी, तो कहीं ना कहीं ये खाद्य सामग्री पहुंचाने वाला टनल ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी काफी मददगार साबित होगा। तो ऐसे में पूरे देश के साथ सभी की ये दुआएं हैं कि जल्द से जल्द इस मिशन को पूरा किया जाए, सभी 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए और जितना भी हो सके उतनी जल्दी इनके परिवार वालों को खुशियां मिल सके। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।